बहुत पहले लिखा था मैंने कि सब्र इंसान की ज़िंदगी का वो गहना है जिसे जितना संभाल के रखा जाए उसकी कीमत उतनी अच्छी मिलती है। क्या लगता है आपको, ये सब बोलने की चंद लाइनें हैं या इन बातों में वाकई कोई सच्चाई है? ये आपको बताना है क्योंकि आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश, आप सुन रहे हैं ओल्ड मेमोरी। आज की कहानी हमें भेजी है पार्वती ने और ये घटना उनके जीवन में आज से 3 साल पहले की है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ से हमें ना आगे जाने का रास्ता मिलता है ना वापस पीछे लौटने का, और अक्सर ऐसा वक्त जिंदगी में ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देता है जहाँ इंसान अपना सब कुछ हार कर बस वहीं उसी मोड़ पर छोड़ देता है। पार्वती की जिंदगी में आज से 3 साल पहले ऐसी ही किसी परिस्थिति ने दस्तक दी थी। और इस कहानी में एक चीज जो मैंने सीखी और आपको भी सीखनी चाहिए कि कभी कभी जिंदगी में बुरा वक्त अक्सर हमारे अच्छे वक्त की नींव बनता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर कुछ बुरा हमारे किसी बहुत अच्छे के लिए होता है। ये घटना 2019 के नवंबर की, जब पार्वती अपने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करके राजस्थान के कोटा शहर से अपने घर भीलवाड़ा लौटी थी। पार्वती जब घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके घर वाले पास ही के गाँव के किसी लड़के से उसका रिश्ता तय कर रहे हैं, और पार्वती के घर वालों ने पार्वती की इच्छा का ख्याल ना रखते हुए बिना उसकी पसंद जाने उसकी शादी तय कर दी थी। लेकिन पार्वती को ये शादी नहीं करनी थी। पार्वती पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था। और इन सब में एक चीज आपको बताना जरूरी है कि पार्वती जिस जगह अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी वहीं एक लड़का था जिसे पार्वती प्यार करती थी, पसंद करती थी, और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पार्वती ने जैसे ही अपनी शादी की बात सुनी वो परेशान हो गई और उसने अपने माँ बाप से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता ने पार्वती की ना कोई इच्छा पूछी ना उसकी पसंद का ख्याल किया। पार्वती ने बहुत सोचा और सोच समझ कर उसने अपने लिए एक भविष्य के लिए एक फैसला लिया कि वो ये शादी नहीं करेगी और घर से भाग जाएगी। उसने इस बारे में राघव से बात की। राघव वही लड़का था जिससे पार्वती प्यार करती थी। राघव ने पार्वती की पूरी बात सुनी और पार्वती की बातों में हाँ में हाँ मिला दी। कुछ लोगों को लगता है कि पार्वती जैसी लड़कियां गलत होती है, पर मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी के जूते में पैर डालकर 4 कदम चलकर देखो, हो सकता है तुम्हें सामने वाले की मजबूरी का अंदाजा लग जाए। सबकी अपनी मजबूरियां, सबके अपने सपने होते हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी अपना घर, अपने लोग, अपना शहर भी छोड़ना पड़ता है। पार्वती बिना किसी को कुछ कहे अपने घर से निकल गई और उसे भरोसा था कि राघव सब कुछ संभाल लेगा, दोनों साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, और जब अपना जीवन साथी अपना सबसे अच्छा दोस्त हो तो जिंदगी और बेहतर लगती है। पार्वती वापस कोटा आकर राघव के पास चली गई। पार्वती राघव के पास आकर काफी महफूज महसूस कर रही थी। दोनों का फैसला एक साथ एक ही छत के नीचे रहने का था, तो पार्वती ने राघव से शादी करने को कहा। उस वक्त राघव के हाव भाव थोड़े बदलने लगे। पार्वती ने इस बदलते हाव भाव को समझ लिया और राघव के पास बैठकर उसका हाथ थाम कर उससे पूछती है कि राघव, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? राघव ने पार्वती से थोड़ी दूरी बनाकर कहा, देखो पार्वती, मैं प्यार तो तुमसे करता हूं पर हमारे बीच शादी की बात कभी हुई नहीं थी। पार्वती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, तुम यहां से चली जाओ प्लीज। ये सुनकर पार्वती के पैरों के नीचे से मानो जैसे जमीन खिसक गई हो। उसे समझ नहीं आया कि ये जो राघव ने बोला क्या वो सच था। पार्वती बस एकदम सुन्न खड़ी रह गई। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर आप किसी रिश्ते को और आगे नहीं चला सकते तो उसे एक खूबसूरत सा मोड़ देकर छोड़ दो, और अगर आप किसी से प्यार ही नहीं करते हो तो उसके दिल, उसके जज्बात, उसकी भावनाओं से खेलकर उसकी ज़िंदगी को ख़राब ना करो। ये कहानी ना जाने ऐसी कितनी पार्वती की है जिनके साथ ज़िंदगी ऐसा मजाक कर देती है और फिर एक कदम और सब कुछ खत्म। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया, उसने राघव के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैं तुम्हारे पीछे अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? पार्वती की बातों का राघव पे कोई असर नहीं हुआ और उसने अपना पीछा छुड़वा लिया। थक हार कर पार्वती अपना सामान उठाकर पास ही के कोटा रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। ये वही मोड़ है जहां इंसान की जिंदगी बस पल भर में खत्म हो जाती है। पार्वती के पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, ना वो घर वापस जा सकती थी और ना वो राघव के पास जा सकती थी। वो खुद को कमजोर और बेबस मान चुकी थी और अब उसने सुसाइड करने का इरादा बना लिया था। पार्वती अपना बैग लिए स्टेशन के कॉर्नर पर बैठी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। पार्वती की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और भरी सर्दी में भी पसीना सिर से टपक रहा था। पार्वती अपने आसपास वालों से अनजान बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, आने वाली ट्रेन यहाँ रुकेगी, अगर उसके अंदर बैठना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके नीचे आने का इरादा है तो आपको थोड़ा और आगे जाकर बैठने की ज़रूरत है। पार्वती ने किसी तरह खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो एक बिखरे बालों में लड़का गले में हेडफोन लटकाए, कंधे पर छोटा सा बैग लिए, हाथ में चाय का कप लिए उसके पीछे खड़ा था। पार्वती कुछ बोल पाती कि उस लड़के ने चाय का कप पार्वती की ओर बढ़ाते हुए कहा, चाय झूठी है पर अच्छी है, बड़ी मुश्किल से यहाँ एक अच्छी चाय मिली है, आप चाहो तो पी लो, मैं इसके आपसे पैसे नहीं लूंगा। पार्वती ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपने कांपते पैरों को किसी तरह शांत करने लगी। वो लड़का पार्वती के पास आया और पानी की बोतल देते हुए कहा, ये झूठी नहीं है, पानी तो पी सकती हो। पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, वो वहां से उठी और जाने लगी। तभी उस लड़के ने कहा, प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पार्वती के कदम बस वहीं रुक गए। पार्वती रोती हुई उस लड़के के पास आई और बैठ के उसने अपनी सारी कहानी उस लड़के को बता दी। पार्वती की बातें सुनकर उस लड़के को भी काफी बुरा लगा, उसने पार्वती का हाथ पकड़ा और उसे स्टेशन से बाहर ले आया। इन सब में काफ़ी रात हो चुकी थी। उस लड़के ने सबसे पहले बाहर होटल पर पार्वती को खाना खिलाया और फिर अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके पार्वती को उसके रूम पर रात रुकने को बोला। पार्वती भी अब थोड़ी शांत हो चुकी थी और वो बस उस अनजाने लड़के के साथ चल पड़ी। और वैसे भी अभी फ़िलहाल पार्वती की कोई मंजिल नहीं थी, तो जैसा उसके साथ हो रहा था वो बस वही सब देख रही थी। उस लड़के ने उस लड़की को टैक्सी में बैठा कर उसके अपनी दोस्त के रूम पर लाया और उसकी दोस्त का नाम श्रुति था। श्रुति के रूम पर पहुंचते ही श्रुति पार्वती को अपने घर में ले गई और उसे अंदर बैठाकर बाहर आ गई। उस लड़के ने श्रुति को पूरी कहानी बताते हुए कहा कि तू पार्वती का ख्याल रखना, कल सुबह देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो लड़का वहां से जाने लगा। तभी पार्वती बाहर आकर बोलती है, सुनो आपका नाम क्या है? अभय, अभय नाम है मेरा, कहकर वो लड़का सुबह मिलते हैं कहकर वहां से चला गया। श्रुति पार्वती का हाथ थाम कर उसे घर में ले आई और कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ, कुछ भी ऐसा वैसा करने का मत सोचो। अब उसकी पूरी जिंदगी उजड़ चुकी थी तो उसे भला कहाँ नींद आ सकती थी। पार्वती श्रुति से पूछती है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, अभय कौन है? श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं और अभय दोनों MBBS कर रहे हैं और अभी हमारा तीसरा साल है, और अभी कुछ दिन पहले ही अभय का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और वो काफ़ी परेशान था, इसलिए वो अपने घर जा रहा था। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका, लेकिन तुम्हें वहाँ स्टेशन पर उस हाल में देखकर वो रुक गया। ऐसे ही दोनों बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह श्रुति ने पार्वती को चाय के साथ उठाया और पूछा, तुम ठीक हो, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? पार्वती ने हाँ कहकर चाय पीने लगी। तभी श्रुति ने कहा कि पता, रात अभय का 3 बार फोन आया और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इनकी ये सब बातें चली रही थी कि तभी वहाँ अभय पहुँच गया। अभय को देख पार्वती के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ा पछतावा साफ नजर आ रहा था। अभय पार्वती को देखकर बोला, अब तुम ठीक हो और किसी भी बात की टेंशन मत लेना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और चाय आराम से पी लो, ये चाय झूठी तो नहीं है, कहकर तीनों हंसने लगे। पार्वती अब खुद को थोड़ा सेफ महसूस कर रही थी और अब उसे इन दोनों के बीच रहना भी अच्छा लग रहा था। और इसी बीच अभय ने पार्वती से पूछा कि आप पहले क्या करते थे, पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रखी है आपने, ताकि उस हिसाब से हम आपके लिए कोई जॉब वगैरह देख सकें, आप अपने पैरों पर खड़े हो सको। पार्वती ने बताया कि उसने नर्सिंग कर रखी है। तो श्रुति और अभय दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ही प्रोफेशन की लड़की मिली। अभय ने फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन कर पार्वती को कहा, पार्वती आपकी जॉब फिक्स हो गई है और आप हमारे ही हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रहे हो, और वहीं मैं और श्रुति दोनों मिलते रहेंगे तुमसे। श्रुति पार्वती के पास आई और कहा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे साथ रहना चाहोगी? इसी बहाने मुझे भी एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। पार्वती ने रोते हुए हाथ जोड़कर दोनों को शुक्रिया कहा तो श्रुति ने उसे गले लगाकर चुप करवा दिया। अब यहाँ से पार्वती की जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अभय हॉस्पिटल में और बाहर भी पार्वती को बहुत सपोर्ट करता, उसकी हर जगह बहुत मदद करता। अभय ने कभी भी पार्वती को अकेला महसूस नहीं होने दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। पार्वती अभय का बहुत ख्याल रखती और सुबह शाम उसे हॉस्टल का खाना ना खाना पड़े इसलिए हर रोज़ उसे खाना बनाकर खिलाती थी।
बस इसी तरह तीनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक दिन जिस हॉस्पिटल में पार्वती नौकरी करती थी, उसी हॉस्पिटल में पार्वती के ही गांव का एक लड़का किसी मरीज के साथ आया हुआ था। उसने पार्वती को पहचान लिया और पार्वती के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया। अगले दिन हॉस्पिटल में पार्वती के घर वाले आ गए और पार्वती को डांटने लगे और उस पर हाथ भी उठाया। डरी सहमी पार्वती वहीं पास में खड़ी सिर्फ रोए जा रही थी। इस बात का पता जैसे ही अभय को चला, अभय और श्रुति दोनों भागते हुए हॉस्पिटल आए। अभय ने उसके घर वालों को एक तरफ किया और पार्वती को दूसरी तरफ बैठाया। श्रुति पार्वती को संभाल रही थी और अभय उसके घर वालों से बात कर रहा था, उन्हें समझा रहा था, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस पार्वती को अपने साथ वापस गांव ले जाना चाहते थे और पार्वती को पता था कि अगर वो घर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पार्वती की आंखें पड़ते हुए अभय ने पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा, ये मेरी होने वाली बीवी है और आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। पार्वती ये सुनकर एकदम सुन्न रह गई। वो बस रोते हुए अभय को देखे जा रही थी। उसके घर वाले भी अब एक बार को शांत हो चुके थे। सब बाहर आकर बैठे और आपस में बैठकर बात करने लगे। बहुत सी बातें हुई, फिर अंत में सबने सोचा कि लड़का डॉक्टर है और क्या चाहिए। कहकर घर वाले उन्हें यह कहकर चले गए कि हमें माफ करना और घर आते रहना। अभय ने पार्वती के आंसुओं को साफ किया और कहा, पार्वती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसी दिन से जब तुम्हें पहली बार स्टेशन पर देखा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पार्वती ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आज अभय रेजिडेंट डॉक्टर है जयपुर में और पार्वती जयपुर में ही रहती है और दोनों का 6 महीने का एक लड़का भी है। बस आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी हमारी जुबानी। बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।